नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदू एकता में। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हिंदू पद्धतियों द्वारा हम कोरोना वायरस से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन हो सकता है खत्म हो जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। पर ये जानने से पहले कि क्या है कोरोना वायरस और कैसे हम इससे लड़ सकते हैं, दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आइए हम जानते हैं क्या है कोरोना वायरस। वैसे तो सभी जानते हैं, पर WHO की रिपोर्ट के मुताबिक यह एक संक्रामक रोग है जो हल्के से लेकर बहुत ज़्यादा रूप से होने वाली सांस की बीमारी है। भारत में ही केवल इसके मरीजों की संख्या 25,000 के पार हो चुकी है, पर अभी तक कोई भी देश इसकी वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हुआ। ये अपनाकर अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं और अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों कुछ खाने की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम गिलोय का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हमारे ग्रंथों में इसे अमृत भी कहा गया है। आजकल ये जूस और टैबलेट के रूप में मिल जाता है और हम कहीं से भी ले सकते हैं। ये बहुत सारे ब्रांड में भी उपलब्ध है। दूसरा है आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, क्योंकि आंवला में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है, इसलिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ये हम जूस के रूप में भी ले सकते हैं अथवा फल के रूप में एक या दो ले सकते हैं और कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तीसरी जिस औषधि के बारे में बात करेंगे वो है तुलसी। पहले तो ये हमारे घर के आंगन में लगाई जाती थी, पर जगह के अभाव और आधुनिकता के कारण हम उस तरीके से इसको नहीं लगाते। पर इसके सेवन के गुण हमारे बुजुर्ग जानते थे। वे जानते थे कि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल है। यह कफ, खांसी और श्वसन कष्ट जैसे रोगों को मिनटों में दूर कर देती है। हमारे घर में सदियों से मसालों के रूप में उपयोग हो रही है गुणकारी कुछ औषधियाँ, जैसे लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, जो कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ को बैलेंस करती है। हल्दी का प्रयोग हम दूध में डालकर या टर्मरिक टी बनाकर भी कर सकते हैं। लहसुन की एक कली को चबाकर खाने से गुणकारी लाभ मिल सकते हैं। दोस्त, आपने एक बात यह भी सुनी होगी कि शुगर की मात्रा को कम कर देने से भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम अगर अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम कर दें तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और हम कोरोना वायरस से और मजबूती से लड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में खाना संतुलित ही खाएं, हल्का खाएं, पानी की मात्रा को बढ़ा लें, सिट्रिक एसिड वाले फल जैसे संतरा इत्यादि का प्रयोग करें, समय पर ही भोजन खाएं और प्रचुर मात्रा में नींद। दोस्तों, ये तो रही थी कुछ खाने की बातें। अब हम बात करते हैं कि हम कुछ अपनी आदतों में परिवर्तन करके भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते। दोस्तों, सबसे पहले प्राणायाम एवं योग करके। भारत में बहुत सारे योगी व संतों द्वारा प्राणायाम के बारे में रोज बताया जाता है। दोस्तों, हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत आदि प्राणायाम करके अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। यह बात तो अब पूरा विश्व भी जाने लगा है। व्रत करके। व्रत हमारे रीति रिवाज का प्रमुख भाग है एवं हमारे त्यौहार भी इससे जुड़े हैं। आज के वैज्ञानिकों का भी शोध भी यही कहता है कि हम फास्टिंग करके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। यह हम एक हफ्ते में एक दिन रखकर भी कर सकते हैं। दोस्तों, शराब व धूम्रपान को छोड़कर। वैसे तो हमारे ग्रंथों और रीतियों के मुताबिक धूम्रपान व शराब निषेध है। अगर हम कोरोना के संदर्भ में बात करें तो उन लोगों की मृत्यु दर ज़्यादा है जो लोग शराब व धूम्रपान का सेवन करते हैं। यह रोग हमारे फेफड़ों पर ही आक्रमण करता है, जो कि धूम्रपान वालों के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों, धूप में बैठकर भी हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमारे ग्रंथों में या हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया सूर्य नमस्कार के बारे में। तो धूप में बैठने से हमारी विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे टी सेल एक्टिवेट होते हैं और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन में रहकर हम सभी बहुत ही तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं। कुछ जगह तो यह भी सुनने में आया है कि घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ चुकी है, तो एक कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण है स्ट्रेस, जिसे हम ध्यान लगाकर अथवा मेडिटेशन करके अपने आप से दूर कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा मानसिक तौर पर संतुलित पा सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन भी कर सकते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग कर, अथवा घर से बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग करना। तो दोस्तों, इस भाग से अलविदा लेते हैं, अगले भाग में मिलेंगे। जय हिंद।